मुसलसल पत्थरों की वजह से अब पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं और हम नहीं जा पाए। अयो अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यो अल्लाह यो अल्लाह यो अल्लाह यो अल्लाह। देखें और यहाँ लग गए काफी खतरा गाड़ियों पे। आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एरिया पूरा जो है सरक रहा है और हम सरफरंगा रैली के लिए मिस हुए। आप इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। खतरनाक किस्म की जो है यहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ये देखें। अस्तगफिरुल्लाह, और खतरनाक ये ऊपर से। उफ 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 उफ, क्या कहोगे। अरे भाई हमारा जो कह सकते हैं आप, ठीक है मेरी तो बात नहीं है आपकी, लेकिन इधर जहाँ तक हम बड़े एक्साइट होके आए थे उनके लिए ये हमारे काम है। ग्रेट न्यूज़ है, एफडब्ल्यू ने अभी 5 बजे के बाद इनकी एसओपी है, काम बंद किया है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बाकी बेहतर है हम इधर से वापिस चले जाएंगे। वापिस जाएंगे क्योंकि ये अभी मुझे बता रहे थे कि सुबह भी काम मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से रहेगा तो चांसेस नहीं है। और हाल क्या कहेंगे रास्ते का, इस तरह के वो चीजें होती रहती हैं। यहाँ तक ये एक मजदा भी मेरे ख्याल से इसके नीचे दब चुका है। बिल्कुल जहीर भाई, जिस तरह एफडब्ल्यू ने पहले प्रॉमिस किया था कि इधर टनल्स बनाए हैं, बरामदे बनाए हैं, इन्होंने बनाया नहीं है और नेचर को अभी हमने डिस्टर्ब किया है, तो ये इस तरह के इवेंट्स अगले 2-3 साल तक होते रहेंगे। तो बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं क्या हो सकता है। बाकी आपके सामने ये वापिस हो रहे हैं, हो रहे हैं जितने भी हैं, ये तकरीबन नेहरू में रास्ते पे एक मस्जिद भी जो है नीचे दरिया पे दरियापुर हो गई आज पत्थर लगने की वजह से, और इसी पे ये सेंटर भी मौजूद है। और स्टिल जो है स्लाइडिंग हो रही है। चले जी, ये भी एक एडवेंचर है, क्या कहेंगे। बिल्कुल ये एडवेंचर ही है। चले सरफरंगा, सरफरंगा हो गया, वो धूल मिट्टी यहाँ भी उठ रही है ना। बीजी की मजा अकबर अल्लाह अकबर। दोनों पत्तिया तुझे मजाक कर, दोनों पत्तिया ना जी मस्जिद का तैयार हमारे पहाड़ पूरा
हमारा हिस्सा है। पीने असल मजा नणे जी लजीज भी है सुट आन बे सर एक बार बताओ कर हम सुनना कि चट्टू तो यो पूर मलबा जार में खड़ी हो गया सर। तो वो नहीं है, हम सिर्फ रोड देख रहे हैं ना, वो मलबा भी नीचे आ रहा है, जितना आ रहा है वो तो आ रहा है। अभी कुछ और ना और मत जी वो सरफरंगा रैली के लिए आए हुए थे और अब लगता है यहाँ से ये पत्थर जो है रैली में शामिल हुए हैं, ये खुलने का नाम नहीं ले रहा और ऊपर से पत्थर इसी तरह गिरते जा रहे हैं। मुश्किल लग रहा है कि अगर खुल भी जाए तो यहाँ पर मुश्किलात होंगी। ठीक, इस वक्त हम हरामुश पहुंचे और यहाँ पे रोड ब्लॉक है। आप आगे शायद आपको हमारा ये कैमरा दिखा सके। इस एरिया में काम हो रहा है, मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रैफिक फंसी हुई है, तो ये पता करने हमारे साथी गए हैं और इस वक्त हम रुके हैं। अपने साथ फल फ्रूट ले आए यहाँ पर, जहाँ जगह मिलती है खाएं पिए हैं। जैसा हमारा साथी खाने का बड़ा शौकीन है, ये अगर ख़राब ना हो तो वापस भी करेंगे उनको। लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम लोग अभी वापस शाटोट नाम है ना सर, क्या नाम? बिल्कुल शाटोट से आगे ये जगह, वहाँ जाके खाना वगैरह खा के इंशाल्लाह फिर से ट्राई मारेंगे। कह रहे हैं बहनों ने तो हमें मायूस कर दिया, काफ़ी कम से कम 4 घंटे लगेंगे, तो क्या कहेंगे आप, बड़े पुरजोश थे। इंशाल्लाह बस उम्मीद करते हैं कुछ 1-2 घंटों में ये खुलेगा, तब तक हम लंच करते हैं और जहीर भाई फिर उम्मीद से दुनिया कायम है, टाइम है इंशाल्लाह फिर देखिए। इधर KKH जो सॉरी स्कर्दू रोड जो है स्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक हुआ और ये हमारे साथ है व्लॉगर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राफे है, मेरे चैनल का नाम है सोमरू व्लॉग, SOMRU VLOG। ठीक है, तो कैसा लगा ओवरऑल आप गिल्ली? बहुत अच्छा था। सिकर्दू भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे अभी जो चूंकि बंद हो गया, हम भी इसीलिए आए हुए थे, तो अब सुबह देखते हैं क्या होता है, सुबह इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप दोनों चैनल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत शुक्रिया।